नहीं, तुम्हें इन सारी बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी स्टडीज पे ध्यान दिया करो। आप मायर भाई से हकीकत छुपाकर अच्छा नहीं कर रही। ये बात उनके इल्म में जरूर होनी चाहिए कि उनकी अम्मी का रवैया आपके साथ नफरत आमेज है। सुनी बच्चे, ही आप अपनी राय दे रही है ना, वो माँ है मायर की, उनकी जिंदगी में बहुत अहम है। मैं सब कुछ बता के मायर को हर्ट नहीं करना चाहती। क्या हो गया आपको? कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? दूसरों की भलाई के लिए अपने आप के साथ जाती करना अच्छा नहीं होता। और आप जैसी सीधी सादी बहू का अंजाम ना अखबार की सुर्खी बनता है और कुछ नहीं। मैं अंजाम से ज्यादा इस घर के सुकून की परवाह करती हूँ सुनी। अपने साथ में कोई ज्यादती नहीं कर रही। इख्तलाफात से घर टूटते हैं। मैं तो बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ अपना घर बचाने के लिए। माँ और बाबा ने भी तो यही सिखाया है कि ऐसी बातें हमें दरगुजर कर देनी चाहिए। तो छोड़ो आप ही, मेरे सामने तो आप अम्मी और बाबा की बात ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया ना उनकी सोच से बहुत मुख्तलिफ है। पता नहीं, यहाँ ना जैसे को तैसा करने वाला ही सुकून में रह पाता है। बस जोनी, बस। हाँ, अब मुझे इस मामले में बहस नहीं करनी। पढ़ाई किया करो, इन चीजों में मत पड़ा करो। मैं छोटी हूं ना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हर बात गैर अहम समझी जाए। अब मैंने जो आपसे कह दिया ना, उसके बारे में आप एक बार जरूर सोचिएगा प्लीज। जी दादी माँ, मैं सोच लूंगी। ठीक है, चलो मैं फोन रख रही हूँ। बाबा का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। से समझाऊं उनको मैं, मेरी एक बात भी नहीं समझती है। अल्लाह तू इन पर रहम कर। आमीन।